तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये शीट के लिए कुछ डेटा यहाँ पे लिख लिया है, जिसको हम स्टूडेंट रिजल्ट शीट बना रहे हैं, जिसमें रिजल्ट कंपाइल शीट है। तो यहाँ पे आपने स्कूल कॉलेज का नाम लिख लेंगे, उसके बाद जो है आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख लेना है, यहाँ पे आपने शीट का एक नाम लिख लेना है, क्लास वगैरह के नाम लिखने हैं तो वो यहाँ लिख दीजिए साइड में कहीं पे भी, और यहाँ पर आपने जो है अपना जो भी फील्ड सेट करनी है वो यहाँ पे हमने लिख देनी है। लिखने के बाद अब हम उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको करेंगे मर्जन सेंटर सेल, और फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे इसी तरह से रो में, इसके ऊपर तक यहाँ पे करेंगे मर्जन सेंटर, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको भी करेंगे मर्जन सेंटर। तो ये हमारा देखिए सारा डेटा सेंटर भी हो गया और सारे सेल मिल के सेंटर भी हो गया। अब ये रह गया कॉलम विड्थ का मसला, तो अब इसमें देखें ये वाले जो कॉलम्स से हम सबको सिलेक्ट करते हैं, और इनको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहाँ से करेंगे कॉलम विड्थ, और इसकी विड्थ जो है हमने सेट करनी है 16 के ऊपर, ओके कर दिया। तो ये सारे कॉलम्स जो हैं 16 के विड्थ के हो गए, जबकि इनको सेलेक्ट किया और इसकी विड्थ को हमने सेट कर दिया यहाँ से जाके 20 पर, तो ये सारे कॉलम 20 के विड्थ के हो गए। तो ये देखें ऑटोमेटिकली इस पर इस तरह से एडजस्ट हो गए। अब इनको सेलेक्ट किया हमने यहाँ से जाके, और सेलेक्ट करके इसको सेल स्टाइल्स में जाके हमने इसको हेडिंग वन का एक स्टाइल दे दिया, जिसके बाद इसको हमने लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप बॉटम और सेंटर यहाँ से इसको इस तरह से कर देंगे। तो ये बिल्कुल अरेंज हो जाएगा हमारा डेटा इस तरीके से। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, या इसका जो दूसरा फीचर है कि दोनों कॉलम के दरमियान में रख के ऑटो एडजस्ट करा देते हैं। ये देखिए ऑटो एडजस्टमेंट में ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये एक बन गया डिजाइन सेट हो गया, तो अब इस पर यहाँ पे क्लिक करें, इनको भी सेल स्टाइल्स में जाके एक अच्छा सा स्टाइल देते हैं, हेडिंग वन भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम टाइटल दे देते हैं, और फिर इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, और इसको इटैलिक कर देते हैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा करने के लिए। यहाँ से आप इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके सेल स्टाइल्स में जाएंगे, और यहाँ से क्लिक करके इसको हेडिंग 3 अप्लाई कर देते हैं, या हेडिंग 3 से ही रहेगा, बोल्ड और इटैलिक भी कर देते हैं, और इसके लिए भी हम सेलेक्ट करके हेडिंग 2 अप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट राइट 2 सेंटर तो ऑलरेडी है ये, इस तरह से हमें नजर आ रहा है। थोड़ा फॉन्ट साइज अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से बढ़ा दीजिए, ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब हो ये रहा है कि इसके अंदर जो डेटा डाला जाएगा वो अब हम इसके अंदर डालते हैं एक रिकॉर्ड, और फिर इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करते हैं। उससे पहले हम इसको देंगे बॉर्डर्स। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन नजर आ रहा है, हटा देंगे तो ये लाइंस यहाँ से गायब हो जाएंगी। मीन्स कि ये वो लाइंस हैं जो स्क्रीन के अंदर नजर आएंगी लेकिन प्रिंट नहीं होगी। इस पर चेक लगा दें। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं इन्हीं लाइंस को, तो फिर आपको यहाँ पे जाके पेज लेआउट में जाके यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। तो अब ये वो सारी लाइंस जो है वो प्रिंट में आने लग जाएंगी, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ उतना हिस्सा ही प्रिंट में आए लाइंस का जिनको हम चाहें, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसको बॉर्डर देना पड़ेगा। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इसको करेंगे ऑल बॉर्डर्स, तो इससे इसके चारों तरफ और अंदर बाहर सब जगह पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा बॉर्डर मोटा करना है तो थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे। ये देखें इसकी वो बॉर्डर्स क्रिएट हो गए, और ये लाइन्स प्रिंट में भी ईजिली आएंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट किया हमने जितने हिस्से पर काम करना है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रखा, और यहाँ पर रख के हमने कहा इसको ऑल बॉर्डर्स, और यहाँ से कहा हमने थिक बॉक्स बॉर्डर। तो ये देखें इसके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। अब आते हैं कि अंदर वाली जो रोज हैं इनकी जो हाइट है वो कम है, तो हम कलेक्टिवली सबकी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रो को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पर जाएंगे, जैसे हमने कॉलम की विड्थ को बढ़ाया था वैसे ही हम यहाँ पे ऊपर रो की हाइट्स को भी मैनुअली बढ़ा सकते हैं। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 15 होती है ये। अब इसको बढ़ा लें, कितना बढ़ा रहे हैं, सपोज से भी 25 हमने इसकी हाइट को कर दिया और इसको ओके कर दिया, तो ये देखें हाइट पहले से इनकी इंप्रूव हो गई, वरना एक एक को करते उसमें टाइम ज़्यादा लगता, तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से कर लिया। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, और ये इस तरह से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर ये जो डेटा आएगा ना इसके अंदर, उसकी तो इतनी चौड़ाई रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसमें ज़्यादा चौड़ा कर दिया हमने। ठीक है, तो जब जिनको ज़्यादा चौड़ा कर दिया उनको दोबारा से सेलेक्ट कर लें, और फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करें, और उस पर क्लिक करके 16 के बजाय 12 कर दें, ओके कर दें। तो यहाँ एडजस्ट हो गया, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इनमें से सिर्फ यही एडजस्ट हो सकेगा, इसको ऑटो फिट करा दें और इसको थोड़ा सा कम करके इस तरह से एडजस्ट कर दें। तो ये इस तरह से इनकी विड्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सीधी सी शीट आपकी बन जाएगी। अब इसके अंदर एक रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, सीरियल नंबर 1। अब इसमें फॉन्ट का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो फॉन्ट के इस्तेमाल के लिए हमने पहले एक रिकॉर्ड डाल देते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर हमने इसको कम कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्योंकि डेट लिखी जाती है, तो डेट को फॉलो करने का तरीका ये है एक्सेल के अंदर, आपने जब भी डेट लिखनी है एक्सेल में, तो आपने पहले यहाँ देखना है कि आपके पास यहाँ डेट कैसे नजर आ रही है। तो आप यहाँ नोट करें, लिखा रहा है 2 जनवरी 2024, मतलब पहले तारीख है, फिर महीना है, फिर साल है, लेकिन आपने ऐसे डेट नहीं लिखनी, आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। पहले तारीख, तो हमने लिखा 15 डेट हो गई,
अब ना डैश यूज़ करना है, ना डॉट, ना स्पेस, आपने यूज़ करना है स्लैश। और कौन सा स्लैश यूज़ करना है? फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है। तो ये स्लैश आ गया आपका एक। अब उसके बाद मंथ बताना है, तो ये आ गया मंथ, और उसके बाद स्लैश, और फिर ईयर बताना है, तो 2004 हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया और एंटर कर दिया। ये इसकी परफेक्ट डेट है जो इसको बाद में ऑटोमेटिकली रीफॉर्मेट कर देगा। जब भी एक्सेल में डेट लिखनी है आपने ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद इसकी मार्किंग कर देनी है, तो ये हमने इसको मार्क्स दे दिए। मार्क्स ऑप्शन परसेंटेज को छोड़ दें, फिर जब हम इसके फार्मूलाज को परफॉर्म करेंगे तो हम इसको फिर एंटर करके देखेंगे। अब आता है इसके अंदर के डेटा को कैसे सेट करना है। सबसे पहले सारे डेटा को सिलेक्ट करके, जो भी अंदर जाएगा उसको सिलेक्ट करके, इसके फॉन्ट साइज को भी यहाँ से सेट करेंगे। लेट्स सपोज उसको 14 पे सेट कर दिया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर दिया, यहाँ से भी सेंटर कर दिया, और ये वाले जो मामला थे इनको सेलेक्ट करके इनको आपने सेंटर भी रहने दें, ठीक है। अगर लेफ्ट कर देंगे टेक्स्ट है, क्योंकि वो टेक्स्ट के यहाँ पे आ जाएगा, बाकी डेटा इस तरह से आएगा। अब सिंपली आप कोई भी डेटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, मतलब और ये स्कोर हमने इसका पुटअप कर दिया हमें, और ये देखिए इसका स्कोर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि आपको जो एक्सेल का डिजाइन करना है, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो है पहले इसका डिजाइन बनाना है, और डिजाइन बना के फिर आपने डेटा एंट्री करनी है। अगर फिर भी आपका कोई कॉलम थोड़ा छोटा पड़ा है तो बाद में भी आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते ही बाद इसमें कलर्स वगैरह ऐड करना है, कुछ डिजाइन डालना है, तो वो देख लें इसमें कैसा कलर डालना है। तो उसको सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से। वैसे अमूमन ब्लैक एंड व्हाइट ही होती हैं शीट्स, तो कलर की जरूरत नहीं होती, लेकिन कलर प्रिंटर पे करना है तो वो आप यहाँ से कोई स्टाइल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसको ये डार्क ब्लू कलर दे दिया, और उसके अंदर फॉन्ट का कलर जो है यहाँ से व्हाइट कर दिया, और उसके बाद जो इसके अंदर स्ट्रिप्स जो हमने बनानी है तो वो इसी का लाइट कलर दे के हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रिप्स पे एक एक पे डाल दिया, ताकि ये एक एक लाइन हमें कुछ इस तरह से ड्रेस दे। ये मैंने जूम आउट किया जब ये आपको इतना छोटा नजर आ रहा है, ये देखें 70% पे जूम कर, अगर 100% पे देखेंगे तो ये आपको ऐसा नजर आने वाले। ठीक है, तो ये देखें आपका रेडी हो गया यहाँ पे। और ऊपर भी कोई अच्छा सा स्टाइल डालना है तो उसमें इसका रिवर्स कर दें, उसको व्हाइट कर दें, और फॉन्ट को डार्क ब्लू कर देते हैं, या इसका लाइट ब्लू वर्जन ले लें इसका यहाँ पे, और इस पर भी फॉन्ट को यहाँ पे वाइट कर दें, ठीक है। और बाकी इनको इसी तरह से दिखा दें। तो ये आपकी शीट का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया जो आपने इसके अंदर बना ली, एक रिजल्ट कंपाइल्ड शीट जो किसी भी स्कूल कॉलेज के लिए आप बना के तैयार कर सकते हैं। और फिर इसको जो है आप आगे नेक्स्ट में देखेंगे फार्मूलास वगैरह कैसे देखते हैं, इसका प्रिंट करते हैं।